Hello everyone, this is the question number 47 of IIT JAM 2022. ये question basically आपका जो equation linear equations है उसी का है. linear equations में भी आपने case भी किया होगा, reducible to linear form. so something कुछ उसी type का है, but normally इस तरीके की हमने questions को बहुत rarely ही solve कर रहे होते हैं. दूसरा एक और भी conditions में इसके साथ में इस जो associated video है theory के prospects में उसको अटैच कर दूंगा, ठीक है. उसमें आई थिंक 12th या 13th मिनट पे इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस किया है जिसमें इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म की बात की गई है. और नॉर्मली हम इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म की जो बात करते हैं वो बेसिकली समथिंग कुछ हमारे पास जो राइट हैंड साइड फंक्शन होता है उसमें बाई की पावर्स को लेके चल रहे होते हैं. बट यहाँ पर इस बार ऐसा आपके पास नहीं है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप से आपको इसको कंसिडर करना है. तो कुछ आपको वो सॉल्व करना है, मींस यहाँ पर न्यूमरेटर की फॉर्म में ही आपके पास बाई अवेलेबल है, ठीक है. आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स के साथ न्यूमरेटर में बाई अवेलेबल है. अभी तक जो हमने नॉर्मली जो क्वेश्चंस किए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई प्रोसीजर नहीं है, नॉर्मली जो हम क्वेश्चंस डील करते हैं उनमें वन अपॉन वाई टू द पावर्स होती हैं विद द डी वाई ओवर डी एक्स. लेकिन यहाँ पर बाई की पॉजिटिव पावर्स हैं, तो कोई मैथड अलग नहीं, सिंपल है, आप उसको प्रोसीड कर सकते हो. सो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसको हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन विच इज डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी टाइम्स ऑफ वाई इक्वल टू क्यू. ये तो हमारी लीनियर वाली फॉर्म आ गई, ठीक है. मैं एक एक पॉइंट नोट कर देता हूँ, यहाँ पर टाइम ले ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. बाकी इजीली आपको समझ आ जाएगा तो अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. अब रिड्यूसिबल वाले में क्या था कि यहाँ पर आपके पास जो क्यू है इसके साथ वाई रेस टू द पावर एन लगा हुआ था. जैसे ही आप ये रिड्यूसिबल वाला है, रिड्यूसिबल फॉर्म थी, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्यू की फॉर्म में हो. आपके पास जो भी है डी वाई ओवर डी एक्स बेसिकली आपको लेके ये जाना है कि आपकी जो भी फॉर्म हो कुछ इस टाइप से रिड्यूस होके चली जाए. तो आपको फाइनली इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशंस अवेलेबल है, उसके लिए आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे. अच्छा, इसके बाद मैं आज एक ये जो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर ऑब्टेन करते हैं इसके रिगार्डिंग भी एक थोड़ा सा डेरिवेशंस मैं एक वीडियो आपको क्रिएट करके देना चाहता हूँ. सो कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही क्यों लिखते हैं इस टाइप से, उसको भी आप उसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है. उसका लिंक भी मैं इसमें अटैच कर दूंगा आप. ओके, सो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं डी वाई ओवर डी एक्स के साथ हमें एक्स के कोई कंपोनेंट नहीं चाहिए. तो सबसे पहले हम क्या कर लें कि जो हमारे पास एक्स के गिवन कंपोनेंट्स हैं, पहले तो हम गिवन इक्वेशन कॉपी करते हैं भाई. ओके, क्योंकि ऐसे केवल डिस्कस करते रहेंगे. गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन है आपकी एक्स वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू साइन एक्स ओवर एक्स. अच्छा, यहाँ पर डोमेन भी स्पेसिफाई किया है फॉर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. बड़े क्लियरली आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक्स शुड बी नॉन जीरो. इफ एक्स इज जीरो देन अगेन आपका ये जो इक्वेशन है वो मीनिंग लेस हो जाएगी, क्योंकि आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो जीरो हो जाएगा और ये आपके पास पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर वन का टर्म आपका अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे भी ये फिर नहीं बचेगी जब आपका डी वाई ओवर डी एक्स का टर्म ही जीरो हो गया. हायर ऑर्डर होता है देन स्टिल आप वहाँ पर उस पर्टिकुलर ऑर्डर को रिटेन करना पड़ता है आपको, जो भी उसका मैक्सिमम ऑर्डर आपके पास है. तो इसलिए सबसे पहला कंडीशन तो एक्स शुड बी नॉन जीरो यहाँ पर होना ही चाहिए, ठीक है. वो आपको दे रखा है इन्होंने, ऑलरेडी डोमेन स्पेसिफाई किया है एक्स इज पॉजिटिव, ठीक. पॉजिटिव ही केवल यहाँ पर आपको कंसिडरेशन में लेना है. बाकी स्पेशली जो मेन प्रॉब्लम है वो है एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो वो एक्सक्लूडेड होना चाहिए. अगर नहीं है तो आप उसको एक्सक्लूड करेंगे तभी अगले प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी इक्वेशन मीनिंगलेस हो जाएगी. ओके, सो अब सबसे पहले अभी मैंने जो वर्ड यहाँ पे यूज किया कि आप डी वाई ओवर डी एक्स के साथ कोई भी एक्स का फंक्शन नहीं रखेंगे तो आप उसको फ्री कर लीजिए, ठीक है. हम उसको फ्री करते हैं, देखते हैं क्या आता है. तो ये आ गया हमारे पास वाई क्यूब अपॉन एक्स, ठीक, और ये आ गया हमारे पास राइट साइड में साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया. ओके, अब आपके पास ये तो क्यू आ गया यहाँ पर. अब देखिए बाई आपको लीनियर में क्या होता है, वाई होता है, तो आपको यहाँ पर वाई क्यूब की जगह पर बाई चाहिए केवल, मतलब समथिंग कुछ इस तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए. तो यहाँ पर मैं लैड कर लेता हूँ. सपोज मैंने मान लिया कि से बाई क्यूब इज
जेड। तो मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, न्यू वेरिएबल, अब मेरे पास डिपेंडेंट चेंज होके जा रहा है, जो डिपेंडेंट आपका वाई था उसकी ट्रिपल पावर को आपने यहाँ पर जेड मान लिया, लीनियर फंक्शन मान लिया है, तो आपके पास कुछ चेंजेस भी आएंगे, डेरिवेटिव्स में भी चेंजेस होंगे, उनको सर्च कर लेते हैं। दिस इज 3y² डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड ओवर डी एक्स। सो हमारे पास पाई स्क्वायर इसके साथ है, हम उसको एज इट इज रख ले रहे हैं, बाकी 3 जो है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 डी जेड ओवर डी एक्स। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं जो अब इक्वेशन आपने लिखी है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 डी जेड ओवर डी एक्स, वाई क्यूब आपका आ गया था जेड, और एक्स एज इट इज राइट में आपके पास था साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। जैसा आपने डी वाई ओवर डी एक्स जो लीनियर इक्वेशन है उसके कॉफिशियंट्स आपके पास 1 होना चाहिए, हम कॉन्स्टेंट्स को यहाँ से भी शिफ्ट कर लेते हैं, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डी जेड ओवर डी एक्स प्लस 3 टाइम्स जेड ओवर एक्स इक्वल्स टू 3 टाइम्स साइन एक्स ओवर एक्स। अब आप इस इक्वेशन को नोटिस कर सकते हैं, विच इज लीनियर लीनियर किस में है, इन डिपेंडेंट वेरिएबल आपको मार्क करना है जेड। इसके सोल्यूशन प्रोसेस आपको पता ही, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आप ऑब्टेन करते हैं उसका प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के साथ भी अटैच कर दूंगा, तो आप उसको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, सो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर पी मेंशन कर लेता हूँ, व्हाट इज आवर पी, दिस इज 3 ओवर एक्स, व्हाट इज आवर क्यू, दिस इज 3 साइन एक्स ओवर, सॉरी इट इज एक्स स्क्वायर, सो दिस इज एक्स स्क्वायर। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑब्टेन करिए, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ डी एक्स, इंडिपेंडेंट हमारे पास एक्स ही है, सो हम एज इट इज लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 3 अपॉन एक्स डी एक्स ई रेज टू द पावर 3 लॉग ऑफ एक्स, आप इसमें पावर को रेज कर लीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग एक्स क्यूब, और ये एक्सपोनेंशियल एंड लॉगार्थमिक आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, सो दिस इज एक्स क्यूब, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया एक्स क्यूब। हैंस सॉल्यूशन आप डिफाइन कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल जेड इनटू आईएफ इज एक्स क्यूब। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट भी कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन क्यू इज 3 साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू आईएफ इज एक्स क्यूब प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, सो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास 3 में टेक आउट कर ले रहा हूँ, ये कितना आ गया एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, 3 एक्स को मैंने रिटेन कर लिया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ गया माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस एक्स, तो ये हो गया प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और डी एक्स प्लस ऑफ सी। अब आप यहाँ पर इसको और फर्दर इंटीग्रेट कर लीजिए, 3 माइनस एक्स कॉस एक्स, दिस इज कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो दिस इज जेड इंटू एक्स क्यूब। अब आप ओरिजिनल वेरिएबल रिटर्न कर दीजिए, व्हाट इज द जेड, जेड इज सिंपली वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। आपको कुछ डेटा यहाँ पर प्रिस्क्राइब था, लेट्स सी, वाई पाई बाई 2 इज 0, सो इसका हम यूटिलाइजेशन कर ले रहे हैं, देन एवेल्युएट वाई एट 5 पाई बाई 2, सो गिवन डेटा वाई पाई बाई 2 गिवन y at pi by 2 is 0, so आप यहाँ पर पुट कर दीजिए y at pi by 2 cube as it is into x cube simply pi by 2 cube। देखिए ये आपका y में मैंने x की वैल्यू पुट की है, और यहाँ पर आपका x cube है उसके लिए मैंने x पुट किया हुआ है, so minus, sorry it's not minus, it's 3 minus pi by 2
कॉस पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब ये वैल्यू देखिए, बाई की वैल्यू आपको कितनी दी है, जीरो, तो जिसकी वजह से ये टोटल प्रोडक्ट आपका कितना हो गया, जीरो इक्वल्स टू थ्री। ड्यू टू दिस कॉस, दिस वन इज जीरो प्लस साइन पाई बाई टू इज वन प्लस ए सी, सो आवर सी इज माइनस थ्री। हेंस वाई क्यूब एक्स क्यूब इज थ्री टाइम्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस थ्री। नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड बाई एट फाइव पाई बाई टू, सो बाई एट फाइव पाई बाई टू इन टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब ऑल्सो सब्स्टिट्यूटेड, क्यूब इक्वल टू थ्री माइनस फाइव पाई बाई टू इन टू कॉस फाइव पाई बाई टू प्लस साइन फाइव पाई बाई टू माइनस थ्री। इम्पॉर्टेंट आपके पास राइट हैंड साइड है, लेफ्ट में कुछ खास आपके पास कंप्यूटेशंस करने की नीड नहीं है। कॉस टू पाई प्लस पाई बाई टू, और जैसे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में कंप्लीट करके जाएंगे टू पाई प्लस समथिंग आपके पास सेम एज इट इज आ जाता है अप टू 90, ठीक है। जब तक आप 90 कंप्लीट नहीं करते तब तक आपके पास सेम रिटर्न आ जाता है, ऑल पॉजिटिव। सो ये कॉस पाई बाई टू हो जाएगा एंड ड्यू टू दिस वन दिस इज जीरो, साइन पाई बाई टू इज वन, सो इट्स वैल्यू इज प्लस थ्री फ्रॉम दिस ब्रैकेट एंड लास्ट में आपका माइनस थ्री है। सो फाइनली ये आपको राइट हैंड साइड पे कितना हो गया, जीरो। अब ड्यू टू दिस राइट हैंड साइड वैल्यू दिस इज शिफ्टेड इन राइट, सो इट बिकम्स ऑल्सो जीरो। देन अगेन टेक आउट द क्यूब रूट ऑफ दिस जीरो, सो फाइनली द बाई एट फाइव पाई बाई टू शुड बी जीरो। सो जो आपके पास फाइनल आंसर है वो कितना आ गया, जीरो। तो आप यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक आपके पास दी गई है न्यूमेरिक आंसर आपसे पूछा गया है, दिस वैल्यू इज जीरो। सो इस तरीके से आप बड़े ईजली जो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म है उनको यहाँ पर डील कर सकते हो।